तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कैंची धाम से, अब हमारे भैया कहाँ ले जा रहे भैया? गागर महाराज। गागर महाराज, अच्छा तो भैया वहाँ क्या है? हमारे महादेव, महादेव खुद स्थापित हुए थे। अच्छा तो कितने कब तक पहुँचेंगे भैया? हम पहुँचेंगे 15-20 मिनट। ओके चलो दोस्तों, तब तक आपको मैं नेचर दिखाता हूँ बाहर का, आप देख सकते हो। तो ये देखिए ना खूबसूरती, उत्तराखंड से हम लोग, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म देवभूमि हो रखा है, और कितने सुंदर जगह से हम लोग हैं। लोग दूर दूर से यात्री आते हैं यहाँ भ्रमण करने के लिए, और हम अपनी जगह पर ही है। भाई हमारा वहाँ से गढ़वाल से, और हम कुमाऊँ से हैं, मैं भी देहरादून में रहती हूँ। तो आज मैं भाई को दिखा रही हूँ यहाँ का इलाका। ये देख सकते हो आप, हरे भरे नजारा, अभी तो पेड़ दिख रहे फिर से। तो ये चीड़ के पेड़ हमारे, तो चीड़ का पेड़ और फिर यहाँ पे पुराश के फूल भी हैं। हाँ, और ये बुरांस के पेड़ इधर बहुत सारे हैं, यहाँ से लोग बुरांस भी ले जाते हैं जूस बनाने के लिए, काफी दूर दूर से आते हैं लोग। तो आप देख सकते हो यार, काफी अच्छा नेचर वहाँ का। ओहो, और अपने भैया की स्पीड में सही है गाड़ी की, कम से कम चल कितने चल रही है भाई? 45 भाई, पहाड़ों में बहुत ज्यादा है 45। 45 का मतलब 100, समझ रहे हो तुम? हाँ, 90, मैं 100 बोलता हूँ ना। तो आप देख सकते हो यार फिर से आसमान और ब्रास, रामगढ़ 5 किलोमीटर बस, जहाँ हम अभी जाने वाले हैं आगर सिद्ध मंदिर देखने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से रामगढ़ मात्र 3 किलोमीटर, जहाँ आपने वो शोले मूवी देखी होगी, वहाँ रामगढ़ में भी उसका हल्का से कुछ क्लिप है जो वहाँ शूटिंग हुई थी। हमारे पीछे से कार बैक हो रही है, और हम तब तक जा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर का नाम है गागर। यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत बड़ा एक शिवलिंग है, जो कि बहुत पूजनीय माना जाता है, और बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं यार। तो हम भी आज पहली बार देखने जाएंगे, और क्योंकि मैं कुमाऊँ पहली बार आया हूँ, तो भाई लोग के साथ आया हूँ, तो आज मैं जरूर देखूंगा यार। तो मिलते हैं आपको मंदिर के अंदर। हाँ, दरवाजे पे नंदी महाराज जी, और यहाँ पे शेर, और यहाँ पे जय बजरंगबली, बजरंगबली की। तो यहाँ पे भोग लग चुका है मंदिर में। सब हम मंदिर से आ गए हैं, और काफी सम्मान और काफी प्यार दिया यहाँ के लोगों ने, और हमने भंडारा भी किया पहली बार, जो कि हम आए थे यहाँ, और हमें इतना सौभाग्य हुआ कि हमने यहाँ पहली बार भंडारा भी किया। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अपने दूसरी लोकेशन पे, तो चलते हैं अब दूसरी लोकेशन पे। पेड़ में बुरांस लेने के लिए, और आज हम बहुत सारे बुरांस खाएंगे, क्योंकि 2 साल बाद आज मैं पेड़ पे चढ़ा हूँ बुरांस के, तो आज मैं बहुत सारे निकालने वाला हूँ, ठीक है। और हेमा दीदी उधर से गिर चुकी थी, कोई दुख नहीं, पर मैं निकालूंगा, क्योंकि यार मुझे आता है पेड़ पे चढ़ना। ज्यादा ऊपर मत जाना, कच्चा होता है। आई नो। अभी तो एक ही हाथ में, पर दिखा नहीं रहे मुझे, इस वाले भी जाता हूँ यार, ये वाला थोड़ा पास लग रहा है। अब इसकी टूटती है टांग नहीं भाई। अच्छा तो बोलना नहीं, बुराई बोलना तूने भाई, कैच आराम से ना, लेकिन फिर अच्छा ही बोलना, बुराई बोल। इसको पकड़, एक ही चीज बोलो दोनों, बाबू दो में हो जाएगा आज। Thank you.
दोस्तों अभी मैं जस्ट तीसरा भंडारा खा के आ गया हूँ और फिर से जा रहा हूँ मैं दुर्गा पीठ मंदिर में। और ये पीछे तो ये है शीतला माँ का मंदिर, ये हमारी है अब की लोकेशन। अब जाने वाले हर्षित भैया, मैं और दो बंदे आगे चले गए भैया और हेमंत दीदी। हेलो हर्षित भाई, चलो चले चलो। और काफी अच्छा लग रहे यहाँ पे आके, आज तो बहुत अच्छे अच्छे नेचर यहाँ देखने को मिले। जय भोलेनाथ। और यहाँ पे लोगों ने ये घंटियां लगा रखी है। और यहाँ से ये पूरा भीमताल दिखता है नीचे जो। लोगों ने काफी अच्छे से यहाँ सजा रखा है और फूलों से, और ये बांज के पेड़ और लोगों ने इनके नीचे से काफी अच्छे फूल लगा रखे हैं और ये पूरा मंदिर सजा रखा है। वाह। और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी चूड़ियाँ लगा रखी है, यहाँ पे माता का मंदिर है तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे घंटियाँ भी बांध रखी है, लोगों ने अपनी मन्नतें मांग रखी है और जिसकी मन्नत पूरी होती तो लोग यहाँ घंटियाँ लगाते हैं ऐसे करके पूरी लाइन में, और ये पूरी लाइन में नीचे तक लगी है। अब फिर से हमारे चलने का टाइम नीचे को। जय माँ शीतला। और यह त्रिशूल